हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कृष्णा ठकुरी। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी क्या है और ये पूरे भारत में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ क्यों मनाया जाता है, चलिए इसे समझने के लिए इससे जुड़ी कथा को जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल ट्रैवल विद कृष्णा ठकुरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। श्वेत कल्प में जब भगवान शंकर के त्रिशूल से पार्वती नंदन दंडवाणी का मस्तक कट गया था, तब जगत जननी माँ पार्वती अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई और उन्होंने बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न किया और उन्हें प्रलय मचाने की आज्ञा दे दी। उन परम तेजस्विनी शक्तियों ने सर्वत्र संहार करना शुरू कर दिया और प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। देवगण हाहाकार करने लगे। तब माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिशा से हाथी का सिर लाकर शिव पुत्र के धड़ से जोड़ दिया गया और भगवान शिव जी के तेज से माँ पार्वती के पुत्र जीवित हो गए। अपने पुत्र गजमुख को जीवित देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पुत्र का सत्कार करके उनका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उन्हें वरदान देते हुए कहा कि इस समय तुम्हारे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, रमणीय आरती, तांबोल और दान से तथा परिक्रमा करके तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। उस समय दयामय पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सभी देवताओं ने वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। ये देख सकते हैं गाइज, आज उत्तराखंड रायवाला में श्री गणेश जी की जो प्रतिमा है उसका विसर्जन किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं गाइज। दोस्तों, वैसे तो गणेश चतुर्थी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का गणेश उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में इन्हें मंगल मूर्ति के नाम से पूजा जाता है। महाराष्ट्र में पेशवाओं ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया। कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने की थी, परंतु सार्वजनिक गणेश पूजन का संचार 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व का आयोजन महाराष्ट्र में किया था, इसीलिए महाराष्ट्र में यह पर्व अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माँ गंगा के पास। यहीं पे गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाएगा गाइस। ये आप देख सकते हैं माँ गंगा हैं ये, और यही गंगा नीचे हरिद्वार की तरफ जाती हैं। यहाँ पे गणेश जी की पूजा की जाएगी और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाएगा गाइस। ये आप देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा को लेकर जा रहे हैं। Thank you.
प्रसाद नम तुताय नम केशवाय नम माधवाय नम गोविंदाय नम तिरिराचम्य आदय प्रसाद नम ये आप देख सकते हैं गाइस, माँ गंगा बहती हुई। और यहीं पे ही हर साल गणेश जी की जो प्रतिमा है यहीं पे विसर्जन किया जाता है। ये जो लोकेशन है गाइस, ये बसंती माता मंदिर जो बहुत ही फेमस सिद्ध पीठ मंदिर है गाइस, जहाँ पे बसंती माता का मंदिर जस्ट उसके पीछे की तरफ ये माँ गंगा बह रही है गाइस। तो यहीं पर हर साल गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं गाइस, गणेश जी की पूजा हो चुकी है, अब इनकी प्रतिमा को विसर्जन किया जाएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और वहां जाके देखते हैं। मोरिया मोरिया। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के साथ समाप्त किया जाता है। तो दोस्तों, गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। गणेश चतुर्थी को मानने वाले सभी श्रद्धालु इस दिन स्थापित की गई भगवान गणेश जी की प्रतिमा को 11वें दिन अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित करते हैं और इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा 10 दिनों तक जब गणेश जी को सुनाई थी, तब वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे और जब 10 दिन बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया था। फिर उसी समय वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट स्थित एक कुंड में स्नान करवाया जिससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ। इसीलिए गणपति स्थापना के अगले 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है और 11वें दिन जल में गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। और दोस्तों, गणेश विसर्जन इस बात का भी प्रतीक है कि यह शरीर मिट्टी का बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको भी इस पर्व के विषय में कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो ऐसी ही नई नई जानकारी आपके पास लाता रहूँगा गाइस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवल, बाय।